जनता के ऊपर ही है, अभी जनता ही है। हाँ ठीक है, लेकिन अब उसे मोदी जीत गए हैं, जीते यहाँ जोर नहीं है, हाँ? नहीं है वो भी है, लेकिन अब दोनों में जाके भगवान ने भाई। क्या कहेंगे बताइए, आप खाने का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे? सही है तुम सर, बेस्ट है। क्या बेस्ट है? चिकन है जो बहुत बेस्ट है। चिकन तो बेस्ट है, सरकार कौन सी बेस्ट है? सरकार भाजपा सही है, बीजेपी सही है, यहाँ पे बढ़िया, इनका काम भी अच्छा है, डेवलपमेंट भी अच्छा है। भूपेंद्र यादव? इनका कुछ नहीं है, बस जाति पे है, वही MY समीकरण है। ये केवल आजमगढ़ तक सीमित नहीं है, अब आपके गलियारों में, राज्यों में, शहरों में भी कलिका के नाम से पहुंच चुका है। लेकिन क्या यही कालिका मटन, और यही जहां कालिका मटन की दुकानें लगती हैं, इसी आजमगढ़ में विकास पहुंचा है या नहीं, ये समझने हम इस वक्त आए हैं आजमगढ़। और हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे वही दुकान है जिसने टैग लगाया हुआ है ओरिजिनल कालिका मटन। उनसे, उनकी दुकान पर जाएंगे, लोगों से समझेंगे, जो कुक्स हैं उनसे बात करेंगे, सब समझेंगे कहानी। पहले आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर कालिका मटन की, सुप्रसिद्ध यहाँ शॉप है। यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म जो है बन रहा है, यहाँ पर रोटियाँ भी बनती हैं। और अगर आप विजुअल्स के जरिए समझें तो यही इनकी एक ऐसी रेसिपी है कि पूरे देश भर में आजमगढ़ का कालिका मटन विख्यात है। काफ़ी मेहनत से बनाते हैं, रोटियाँ बनाने का अंदाज भी अलग है, एकदम घर जैसी रोटियाँ यहाँ बनती हैं। क्या लबो लबाव है और चुनाव के तौर पर कितना इन लोगों में चुनावी तौर पर रुचि है, वो भी समझने का हम प्रयास करेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे इनके समीप जाकर। और ये इस दुकान के मालिक हैं, क्या नाम है आप? रूपचंद चौहान। चौहान साहब, ये बताइए कि कैसे तैयार करते हैं, कितना समय लगता है तैयार करने में? एक घंटा लगता है मीट तैयार करने में। हाँ। कितना आता है खाने के लिए आदमी यहाँ पे? आदमी तो हम गिनते नहीं है, करीब 40-45 आदमी, 50 आदमी तो आ ही जाते हैं। तो कालिका मटन जो है हर जगह पहुंच गया है, मतलब गली गली पहुंच गया है? जी हाँ, सब डुप्लीकेट में अपना बना रहे हैं। अच्छा। मगर ओरिजिनल तो यही है। ओरिजिनल यही है। अच्छा। ये बताइए आप मुझे, जरा मैं बैठने का प्रयास करूंगा, आपसे सवाल पूछूंगा, विजुअल दिखाते रहिए जरा, रोटी बनाने के विजुअल दिखाइए और जरा हम कोशिश करेंगे बात करने की इनसे। आप मुझे ये बताइए कि चुनाव आजमगढ़ में इस बार है, आप लोगों को क्या लग रहा है, किस ओर जा रहा है चुनाव? हुआ है आजमगढ़ का? हाँ विकास तो हुआ है। हाँ। क्या कुछ हुआ विकास? यही सड़क वगैरह, लाइट वगैरह सब ठीक है, पानी वगैरह सब ठीक है, सरकारी नल से ये सब सुविधा अच्छा है। हाँ, पहले सड़क जो है उबड़ खाबड़ थी, अब सड़क बन गई है बढ़िया से। जी हाँ, हर जगह सड़क अच्छी है। तो आपको क्या लग रहा है, बदलाव देख रहे हैं? यहाँ पर दो लोग हैं, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से हैं, निरहुआ हैं, किसका पलड़ा भारी है? अब ये तो कौन बता सकता है, ये तो हम छोटे लोग नहीं, बड़े आदमी बंदूक वाले बता सकते हैं, हम नहीं बता पाएंगे किसका। वोट तो करेंगे ना? हाँ, वोट तो करेंगे यहीं से। हाँ, वोट तो देंगे। व्यापारियों के लिए हालांकि थोड़ा मुश्किल का सवाल होता है, दुकानदारों के लिए बता पाना कि कौन जीतेगा, लेकिन क्या लगता है बेहतर ऑप्शन कौन है? देखिए, हम तो चाहते हैं मोदी जी की सरकार बने, अब फिर से हम लोगों को हर चीज अच्छा है। हमारे आजमगढ़ में गुंडई, हर जगह गुंडई कम हुई है, एकदम आदमी बहुत अच्छा है। अब पहले गुंडई होता था, हम लोगों को होटल में जो है मतलब पहले खाकर नहीं देंगे, क्या करोगे, ये है वो, अब तो एकदम पैसा खुलेआम दे देते हैं, गुंडई नाम की कोई चीज़ नहीं है, इतना बढ़िया हुआ है। जी चौहान साहब हैं, बता रहे हैं कि कई बातें पुरानी और नई, आप भी यही काम करते हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या कुछ लग रहा है आप लोग को चुनाव को लेकर इस बार? इधर आ जाइए। क्या कुछ लग रहा है चुनाव को लेकर इस बार, क्या है? अरे अब जनता के ऊपर ही है, अभी जनता ही है। हाँ ठीक है, लेकिन अब उसे मोदी जीत गए हैं, मोदी जीते हैं, यहाँ जोर नहीं है, सपा नहीं है वो भी है, लेकिन अब दोनों में जाके भगवान दें भाई। चलिए और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे आपको। अरे आप तो बताइए पहले, ये बहुत पुराने, आप तो बताइए पहले, आज लग रहा है चुनाव? चुनाव तो ठीक ही चल रहा है, विकास हुआ है आजमगढ़ का? हाँ, विकास हुआ है आजमगढ़ का, आजमगढ़ विकास हुआ है, जरूर हुआ है। करते हैं आप? हम तो छोट मोट जो है ठेकेदारी काम करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। विकास हुआ है मतलब? बहुत विकास हुआ है, जब से सरकार आई है विकास हुआ है, हमेशा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, जब से सरकार आई है तब से कोई परहेज नहीं विकास में। और हमारा आजमगढ़ जो है
बड़ा वंचित था, विकास से दूर था, लेकिन जब से सरकार आई है तब से विकास हुआ है, ये पूरी जनता देख भी रही है। बात करते हैं भाई साहब, क्या बताएंगे, क्या है माहौल चुनाव? बहुत सही चल रहा है माहौल। कौन जीत रहा है? मोदी जीत रहे हैं। मोदी जीत रहे हैं, यहाँ तो खैर मोदी में माहौल है, है? तो और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कालिका का आनंद ले रहे हैं, क्या कहेंगे बताइए, आप खाने का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे? सही एकदम सर, बेस्ट है खाना। क्या बेस्ट है? चिकन है जो, बहुत बेस्ट है। चिकन तो बेस्ट है, सरकार कौन सी बेस्ट है? सरकार भाजपा सही है, भाजपा। धर्मेंद्र ज्यादा नहीं चाहिए? नहीं। यहीं के रहने वाले? नहीं, हम अम्बेडकर नगर है। अम्बेडकर नगर, आप कहाँ से हैं? हम भी अम्बेडकर नगर से हैं जी। बाहर से हैं आप लोग? हाँ, मतलब यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है हम लोगों का घर, वहीं से है जी। है हवा किसकी है? हवा तो अभी बीजेपी की ही है। आप लोग क्या यहीं से? क्या लग रहा है अम्बेडकर नगर, यहाँ पे आजमगढ़ में चुनाव का क्या है, कौन भारी है? कौन अभी इस समय तो दोनों लोगों का पलड़ा भारी है, निरहुआ भी बहुत दौड़ रहे हैं, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। डिंपल यादव यहाँ ही भोजपुरी में जो है उन्होंने भाषण दिया है। मैंने तो सुना नहीं, थोड़ा बिजी रहता हूँ। आपको क्या लग रहा है, किसका कोई ऊपर नीचे है, बराबर है भाई? नहीं, अभी तो थोड़ा धर्मेंद्र यादव का ही ऊपर है। निरहुआ ने यहाँ काम किया है? काम किया। क्या काम किया है? विश्वविद्यालय बनवाया है, आजमगढ़ से बिलरियागंज वाला रोड जो दसों साल से नहीं बना तो उसको बनवाया है। तो नाराजगी अगर है उनके लिए तो क्यों है? नहीं, नाराजगी बहुत नहीं है, बहुत नहीं। तभी आपको लगता है कि धर्मेंद्र का पड़ा भारी है? हाँ, कुछ है। क्यों? जातिवाद की राजनीति है यहाँ, जाति फैक्ट्रिया चलता है। हाँ, इस वजह से भारी। आपका नवनीत राय। आप लोग वोटर हो? आप हो, क्या नाम है आपका? आशुतोष राय। आशुतोष जी, बताओ क्या लग रहा है चुनावी हाल? बीजेपी सही है यहाँ पे, बढ़िया, इनका काम भी अच्छा है, डेवलपमेंट भी अच्छा है। धर्मेंद्र यादव? इनका कुछ नहीं है, बस जाति पे है, वही एम वाई समीकरण है इनकी। समीकरण चलते हैं चुनाव में यूपी में, वैसे जो चुनाव आपको लगता है चुनाव चलती है यहाँ, डेवलपमेंट लोग कम देखते हैं। आप लोग यही आजमगढ़ के हैं? आप आजमगढ़ से? देखिए, तमाम लोगों से बातचीत की है, यहाँ पर आजमगढ़ के भी हैं और कई बाहर से भी आए हैं, यहाँ के खाने का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बराबरी का मुकाबला भी है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो एक बड़ी चीज़ है, और वोटर वो भी समझ रहा है कि सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो भी शायद आजमगढ़ के लिए एक बड़ा विषय है। हम आगे भी चलेंगे और लोगों से समझेंगे आखिर क्या है आजमगढ़ के हाल।